चिट्ठी मैंने पढ़ी अभी, ईएएस शर्मा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भारत सरकार, चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा कि भाई जो कंपनी जिसको हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करते आए आज तक, कि इस कंपनी की पर संदेह का कोई कारण नहीं। क्या बात है, गुड शॉट। सही बात है, फैसला करने दीजिए। एक सेकंड आरपीसी, ये मुझे फैसला करने दीजिए। सिंह ने सोनिया गांधी जी को लेकर कह दिया कि उनका कोई अधिकार नहीं है, मेरे पंजाब के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। अमरिंदर सिंह के बयान सुना देता हूँ अभी आपको। मैंने कहा था कि हमारा इलेक्शन फेयर हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ जब वो इलेक्शन जीते थे। आरपीसी, एक सेकंड, पहले डाउन करना पड़ेगा मुझे, बाकी सारे पैनलिस्ट भी हैं। वीवीपैट देश की सारी ईवीएम में नहीं है, मैं ये फैक्ट आपका दुरुस्त करके आगे बढ़ती हूँ। गजब बेइज्जती है। 2013 में कहा जवाब नहीं होता तो संयम और धीरज तो नहीं, उत्तर तो देने, उत्तर देने देंगे। 2013 पूरा प्रश्न सुन लीजिए, बोलिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सारी मशीन्स में वीवीपैट लगाइए। 3,000 करोड़ का बजट है, 10 साल हो गए उस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आए हुए। कहाँ है ईवीएम में सारी वीवीपैट? आज भी एक तिहाई ये फंस गया सी। चेक कर सकते हैं किसी मशीन को, देश के अंदर किसी जगह जहां वीवीपैट हुआ वहां पे आप चेक करा सकते हैं। सारी ईवीएम मशीनों में वीवीपैट लगाए आरपी सिंह? अरे चिल्लाने से बात नहीं बनती ना। मैं अगर शालीनता से बात कर रही हूँ, मैं भी शालीनता से बात कर रहा हूँ, आप उत्तर देने देंगी तो नहीं। मैं अगर शालीनता से बात कर रही हूँ, आरपी सिंह बड़े भाई हैं आप मेरे, ठीक है? एक सेकंड, लूंगी में मिर्ची गाय को लग रही है। सुनिए मेरी बात, मैंने शालीनता, क्या देश की सारी ईवीएम्स में, क्या देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वीवीपैट लगा है? आपका ये प्रश्न जेन्युइन है कि देश की सारी मशीनों पर वीवीपैट लगना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, तू अचानक साधु महात्मा क्यों बन गया बे? गोल गोल घूम रहे आप आरपे से। मैंने जो बहुत गंभीर सवाल पूछा, ये भी आपके लिए वो गंभीर है। बीजेपी के बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं आपके लिए, आपके लिए वो गंभीर है, मेरे लिए नहीं। आपने प्रश्न, आपके लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि देश का, भारत सरकार का। एक सेकंड, भारत की वार्ड लगा डाली इसने। इम्पोर्टेंट नहीं है कि देश का, भारत सरकार का। एक सेकंड, भारत क्या सीन है, वह क्या सीन है? तो वो डिजिटली कैसे टेम्पर हो सकती है, ये तो प्रभु कृपा नहीं करे। तो आर यू कॉमेडी मी? सुब्रमण्यम स्वामी इसको होलसेल फ्रॉड क्यों कह रहे थे? तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को आपके बीजेपी के नेता आपको नहीं, पीआईएल लॉन्च की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में? वो थे, वो वही सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में क्या 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 बारे में चर्चा कर लेंगे अभी। परंतु अरे एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। वो कभी थे ना, अपनी भाजपा के अंदर वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, नितिन गडकरी है सर, लालकृष्ण आडवाणी, मैंने कहा अभी फिर देखा झूठ बोल रहे हैं। अभी आपको पकड़ दिया मैंने, अभी मैंने कहा पेज नंबर 78 पड़ी उस किताब का, उसमें कहा कि वीवीपैट के थ्रू उसे उन्होंने कहा पेपर स्लिप के थ्रू पता होना चाहिए। वो सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारत सरकार का एक रिटायर्ड अधिकारी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 पदाधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के बैठे हुए हैं, जो नॉमिनी है और ऑफिस बियरर है, जिनमें एक राजकोट के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, ऐसी मेरी खबरें हैं मेरे पास। ये गंभीर सवाल है आपकी नजर में आरपी सिंह? नहीं, इस पर आ जाइए जी जी। आप साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि वो सवाल गोल हो जाएगा आरपी सिंह। मैं गोल क्यों करूंगा जी, मैं आपके सब सवालों का उत्तर देना, आपके एक सवाल का उत्तर देकर मैं बाकी सवालों पर लोगों के मन में संशय रहेगा। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के 4 ऑफिस बियरर और नॉमिनीज बैठे, तो विपक्ष का जो सवाल है आपकी नजर में गंभीर है या फिर फजूल फर्जी? सब बस बेटा, और जब वो जिस सर मैंने दो फैक्ट दिए, क्या आप डिसएग्री करेंगे दोनों फैक्ट? उसी पे उसी का उत्तर देना, आप डिनाई कीजिए, आप खारिज कर दीजिए मेरा फैक्ट कि भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी मेरे देश के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 लोग बीजेपी के पदाधिकारी, खारिज कर दीजिए मेरा फैक्ट की हर क्या ये गंभीर चिंता का विषय है? चिंता का विषय ये भी है कि चिंता का विषय ये भी है कि आप को किसी चीज को मिसकोट करेंगे तो मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। उस किताब में, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने का थोड़ा क्षमता रखिए ना जी। बस हवा निकल गई। एक आपने अभी किताब का मेंशन किया जिसका है कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेमोक्रेसी ट्रस्ट, जो किताब है जीवीएल नरसिम्हा राव की, और जिसको अडवाणी जी ने रिलीज किया था। आपने कहा कि उस किताब में भी सब प्रश्न उठाए थे पूरे प्रोसेस के ऊपर, और ये संशय हुआ। कृपा करके किताब का पेज नंबर बोलिएगा अपने रिसर्च टीम को, पेज नंबर 78। कुछ चुतिया नहीं बना रहे हैं आप, चूतिया हैं। आपने एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि मशीनें हाईजैक हो जाती हैं, तो मैंने पहली बार वर्ड सुना हाईजैक हो जाती हैं, क्रैक जैक हो सकती हैं, हाईजैक मशीन कैसे हो सकती है? पता नहीं कोई हवाई जहाज सुने थे हाईजैक मशीन कैसे हाईजैक उठाकर कोई ले जाता होगा। चुप रे नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं। अरे
सवाल का जवाब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने कई सारे प्रश्न पूछे, एक आपने कहा कि मशीन हाईजैक हो जाती है। भाई मेरे देश की, मेरे देश की। हाँ, मैं आ रहा हूँ जी, एक मिनट। कहते हैं बदला, इतना सुकून मिल रहा है। आप एक, मैंने कहा ना, आप बहुत बड़े मीडिया हाउस का रिप्रेजेंट करते हैं और एक गंभीर मीडिया हाउस का रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको आपका अपना पर्सनल भी एक मैंडेट है, और आपको लेकर बहुत रिस्पेक्ट है लोगों के मन में, इसलिए जो हमदर्दी जता रहे हैं, जो आप प्रश्न उठाती हैं, किताब को रिलेट करती हैं, आपने सारे में किताब को भी रिलेट किया। कृपा करके उस किताब में पेज नंबर 78 पे चेक करिए, उसमें ये कहा गया था कि उसका जो जो वोट डालेगा उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वीवीपैट लगी कितनी ईवीएम में है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट आप लगाइए। 3,000 करोड़ का बजट है, चुनाव आयोग सरकार से मांगता मांगता थक गया। 2013 का वर्डिक्ट है, यूपीए की गवर्नमेंट में आया था जी। धन्यवाद। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो वो पता नहीं किस प्रकार से, और वे सबकी सब मशीनें इंडिविजुअल मशीन है, सबके सॉफ्टवेयर अलग है, वो किसी के साथ कहीं जुड़ा कुछ नहीं हुआ। एक हर मशीन का अलग से सॉफ्टवेयर बनता है, और ये नहीं पता होता जो कंपनी सॉफ्टवेयर, जैसे अब कंपनी के जवाब पे आ रहा हूँ, जो वो जो कंपनी मशीन बनाती है उसको ये नहीं पता होता कि मशीन कहाँ जाकर लगेगी। वो येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। इस प्रकार की कंपनी में भाजपा के या अन्य पार्टियों के जो कि जो कि सरकार की सहयोगी पार्टी है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर रहते हैं। अच्छा। आईटीडीसी पे भी जो चेयर पर्सन है वो हमारे एक प्रवक्ता है, जो आईटीडीसी के चेयर पर्सन है, उसमें इसमें हरामी हो बेटा, मैं कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जो मैं मूल बात कर रहा था आपने रोक दी। एक मिनट रुकिए, फिर नहीं प्लीज। उसमें जो मशीन है, जब वो मशीन वहां से चलती है, उसको उस मशीन का सिस्टम को ये नहीं पता होता कि मशीन लद्दाख जाएगी या कन्याकुमारी जाएगी। पहली बात ठीक है, वहां पर भाई, अरे 1,000-2,000 करोड़ मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़। हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हर हर लद्दाख में कैंडिडेट अलग होंगे, और कन्याकुमारी में जो सीट होगी वहां पे कैंडिडेट होंगे, उनको ये नहीं पता होगा किस किस के नाम पे क्या होगा। उसमें ये नहीं पता होगा कि आरपी सिंह का नाम नीचे से छठा होगा या ऊपर से पहला होगा। तू क्या चाहता क्या है भाई? Let me up with a bright smile on now. Put me in the car, don't want careless now. To the moonlight.